सेंट्रल रेलवे का सौतेला व्यवहार, यात्रियों को दिखाया जा रहा है लॉलीपॉप। से पठान एक्सीलेटर मशीन के लिए आवाज मुसलसल उठा रहे हैं और धरना भी दिया था। हालांकि मुमरा में एक्सीलेटर मशीन आकर रखी हुई है कई महीनों से और धूल और बारिश खा रही है, लेकिन अभी तक लगाई नहीं गई। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों सलाम आदाब नमस्ते, मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको ले चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। एक तरफ तो खुशी की बात है कि मुमरा में नई पटरी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सारे छोटे बड़े स्टेशनों पर एक्सीलेटर सीढ़ी लग चुकी है, मगर मुमरा में अब तक स्वयं चलत सीढ़ी नहीं लग पाई है। जबकि दो साल से स्टेशन परिसर में रखी हुई धूल मिट्टी और बारिश खा रही है। इस सिलसिले में कई बार न्यूज़ भी चल चुकी है, मगर अब तक स्वयं चलत सीढ़ी क्यों नहीं लग पा रही है? क्या इसकी भी पंडित जी से मुहूर्त निकाली जाएगी तब ही लगेगी? ये तो ऐसा ही है कि बच्चे को चॉकलेट देकर छीन लिया जाए। दर्शकों आपको बताते चलें कि दादर और कल्याण के बाद तीसरे नंबर पर रेलवे को मुमरा से बिजनेस मिलता है और औरतें बच्चे बूढ़े भी सफ़र करते हैं। पहले तो मुंबई जाने के लिए सीढ़ी नहीं तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब जब से नई लाइनें बनी हैं तो जाने और आने दोनों सूरत में ब्रिज चढ़ना और उतरना पड़ता है, जो अजियतनाक है और रेलवे यात्रियों को अजियत देने पर तुला हुआ है। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि जिन यात्रियों से रेलवे मुनाफा कमा रहा है उन्हीं यात्रियों को अजियत और तकलीफ पहुंचा रहा है। नहीं मालूम ये कौन सी लॉजिक है। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार लाहौती साहब से गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द मुमरा में स्वयं चलत सीढ़ी लगवाने का आदेश जारी करें, जिसके लिए हम आपके आभारी होंगे। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोविड गाइडलाइन को मलहूज रखते हुए खुद को महफूज रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली न्यूज आप तक पहुंचती रहे। जो हजरात हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। याद रहे, दो गज दूरी मास्क है जरूरी।